कंपनी है आलमगीर अंसारी एम जी, और रास्ता बना रहे हैं कि इससे रास्ता हम 91 अर्जमीन या खलिहान के नाम कर माफिया कब्जा कर रहे हैं, गाँव का नुकसान कर रहे हैं। अब ऐसा लोगन का भूमाफिया नहीं, ऐसे लोगन का तो हम छेदीलाल कहते देखा, तो छेदा नगर में भैया छेदीलाल को घूम रहा वैध कब्जा कर रहा। मामला कहीं और का नहीं, बाराबंकी जिले के छेदा नगर का है, जहां के पूर्व प्रधान ने भैया गंभीर गंभीर आरोप लगाए हैं और बहुत बड़ा खुलासा किया कि देखो भाई देखो सरकारी जमीन पर रास्ता दिया जा रहा है, अवैध कब्जा हो रहा, पेड़ लगा था पेड़ काट दिया, बोर्ड लगा था खंबा लगा था कि देखो भैया ये सरकारी जमीन है उसको उखाड़ फेंका, जेसीबी दौड़वा रहा। योगी जी की सरकार में देखा तो अवैध प्लाटिंग की जा रही। हम तो बाराबंकी जिले के डीएम साहब से कहेंगे, एसडीएम साहब से कहेंगे, और एसडीएम साहब को तो अखिलेश दास फोन लगाई बातचीतों करेंगे, तो अखिलेश दास से भैया एसडीएम साहब ने कहा कि देखिए मेरे मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन आपने बताया तो मैं देखता हूं और कार्रवाई की जाएगी। अब एसडीएम साहब तो आश्वासन दे रहे, लेकिन गांव के पूर्व प्रधान तरीक सुनो का कह रहे थे, इनका कहना कि भैया कोनो आलमगीर आवा है, रियल इस्टेट का कारोबारी है, पीछे किसानों की जमीन खरीदत है और आगे भैया रास्ता दिए खातिर सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहा, देखा तो सब कुछ काट कूट दी है, जेसीबी दौड़वा रहा है। और इनके साथ ही भैया वर्तमान के कोनो छेदा नगर के प्रधान है सुनील, और उनके साथ कोनो लेखपाल है दीपक, उससे मिली भगत करे पर रहा, तभी तो देखा तो सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहा, पेड़ सेड़ काट डारी है, बोर्ड उखाड़ के फेंक दी है। तनिक सुनो भैया क्या बोलते हैं छेदा नगर के पूर्व प्रधान वीरेंद्र वर्मा। छेदा नगर के पूर्व प्रधान जी से बात हो रही है? जी हाँ हो रही है। मैं सुनने में आया था कि आपकी तरफ किसी जमीन पर कब्जा हो रहा है, क्या मामला है? ये रेड हिल कंपनी है एक जी, आलमगीर अंसारी एमडी। अच्छा, और अधिक लाइन यहाँ ब्रोकर हैं बाराबंकी के जी। इन लोगों ने पीछे थोड़ी जमीन खरीदी, आगे खलिहान के नाम दर्ज है जमीन। अच्छा, उस पे कब्जा कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं उस पे? रास्ता बना रहे हैं कि बीच से रास्ता हम निकलवा देंगे प्रधान जो है लेखपाल। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की, आप पूर्व प्रधान हैं? जी जी, उस पे हमने बोर्ड भी गड़वाया था कि 575 गाटर नंबर 91 एयर जमीन ये खलिहान के नाम दर्ज है, उन्होंने उठवा के फेंकवा दिया है। अच्छा, तो अब क्या करेंगे आगे कुछ? इस पे हम यही कहना चाहेंगे कि पंचायत के हित में ग्राम समाज की जो जमीन है खलिहान, इसको पूर्ण रूप से सुरक्षित करके और कब्जे से मुक्त करा दिया जाए। तो नहीं तो एप्लीकेशन कहीं देंगे इसको लेकर के? आप मुख्यमंत्री जी से किसी शिकायत करेंगे या डीएम साहब से? हम करेंगे। अच्छा, हाँ डीएम से करेंगे, मुख्यमंत्री जी से करेंगे, उनके पोर्टल पे डालेंगे, उनके संज्ञान में आए कि भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं, गांव का नुकसान कर रहे हैं। अब आजकल बाराबंकी में यही हो रहा भैया, प्रधान जी की बातें सुनी आपने भैया, बहुत गंभीर गंभीर आरोप लगाई है और ये बकायदा भैया कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अभी एप्लीकेशन भी देंगे मुख्यमंत्री जी के ऑनलाइन पोर्टल पर, शिकायत भी करेंगे और डीएम साहब को भी देंगे, जहां जहां इनको शिकायत करनी वहां करेंगे। लेकिन क्या मामला भैया, कई जगह बाराबंकी में देखे गवा है, चाहे तुम टीकानगर की बात कर लो, कुछ दिनों पहले भैया जब सभासदों ने हल्ला मचाया था कि देखो भैया देखो यहाँ का हो रहा है, पीछे बकायदा प्लाटिंग हो रही है और आगे सरकारी भूमि पर रास्ता दिया जा रहा है, जो कि बहुत गलत बात है। आजकल भैया अवैध प्लाटिंग करने वाले यही खेला करते हैं, पीछे भैया जमीन हुआ था और आगे सरकारी जमीन पर रास्ता दे दिया था, फिर बेचारा बाद में जो जमीन खरीदत है वह झेलत है। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एसडीएम साहब ने आश्वासन भी दिया है, अखिलेश दास ने बातचीत भी की थी, तो शिव वैसे हर जो खबर इसी पर मिलेगी, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बाकी भैया वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो कैसे लगी, और खासतौर से बाराबंकी के लिए A24 की बैरल रिपोर्ट। और भैया हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल नहीं, ना हम किसी को टारगेट कर रहे थे, हमारा डिस्क्रिप्शन है।